हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जिला लाहौल स्पीति की जियोग्राफी से है। ये वीडियो का पार्ट टू है। इससे पहले पार्ट वन में हमने लाहौल स्पीति के ग्लेशियर, वहाँ की घाटियाँ, चोटियाँ, नदियों और दर्रों को डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम जिला लाहौल स्पीति की जियोग्राफी से रिलेटेड जो टॉपिक बच गए हैं, जैसे वहाँ के मंदिर, जल विद्युत परियोजनाएँ, मेले और लोक नृत्य आदि, उन्हें आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे लाहौल स्पीति ज़िले के मंदिरों के बारे में। त्रिलोकीनाथ मंदिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे एक साथ दो धर्मों के लोग इसकी पूजा करते हैं। एक तो हिंदू धर्म के लोग जो हैं वो त्रिलोकीनाथ को शिव का रूप मानते हैं, और बौद्ध धर्म के लोग जो हैं इसे जो है अवलोकितेश्वर का रूप मानते हैं। तो एक ऐसा मंदिर है जिसमें दोनों धर्मों के लोग पूजा वहाँ पे करते हैं। हिंदू धर्म के लोग मानते हैं कि इस मंदिर का निर्माण जो है वो पांडवों ने करवाया था, और बौद्ध धर्म के लोग मानते हैं कि इस मंदिर का निर्माण पद्म संभव ने करवाया था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर है गुरु घंटाल गोम्पा, ये यहाँ जून में घंटाल उत्सव मनाया जाता है। और जो की गोम्पा है वो हिमाचल का सबसे ऊँचा और बड़ा गोम्पा है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर को रिंगछेन संगोपा ने बनवाया था। रिंगछेन संगोपा, वैसे नाम बहुत कम पूछा जाता है, फिर भी हमें पता होना चाहिए कि इस गोम्पा का निर्माण किसने करवाया था। रिंगछेन संगोपा ने। मृकुला देवी मंदिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लाहौल घाटी के उदयपुर में यह मंदिर, और जो मृकुला देवी है वो उन्हें महिषासुरमर्दिनी का रूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आज भी वहाँ जो मृकुला देवी की मूर्ति है उसके पीछे एक खून से भरा हुआ कटोरा है, जिसे काली माँ ने महिषासुर का वध करते समय भरा था, लेकिन उसे कोई भी देख नहीं सकता है, किसी को भी देखने की उसे आज्ञा नहीं है। नेक्स्ट है ससुर गोम्पा, बौद्ध धर्म के जो 84 सिद्ध हैं उनके चित्र यहाँ दीवार पर बनाए गए हैं। जो 84 जो सिद्ध हैं बौद्ध धर्म के, उनके चित्र यहाँ पे दीवार पे बनाए गए हैं। ओके, और इस गोम्पा का निर्माण जो है वो 17वीं शताब्दी में किया गया था। 17वीं जो शताब्दी थी उसमें इस गोम्पा का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है घैमूर गोम्पा। घैमूर गोम्पा यहाँ जुलाई महीने में सैतान नृत्य किया जाता है, और यह जो नृत्य है ये मुखौटा पहन के किया जाता है। टयूल गोम्पा यहाँ पद्म संभव की सबसे बड़ी मूर्ति है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे जिला लाहौल स्पीति की जल विद्युत परियोजनाओं की। रोंग टोंग जल विद्युत परियोजना, यह परियोजना स्पीति में स्पीति नदी के सहायक रोंग टोंग नाले पर कार्यान्वित की गई है। इसमें 2 मेगावाट बिजली पैदा होती है, और यह हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पर स्थित परियोजना है। सबसे ऊंचाई पर जो जल विद्युत परियोजना स्थित है वो रोंग टोंग जल विद्युत परियोजना है, वो जो कि जिला लाहौल स्पीति में है। नेक्स्ट है थरोट परियोजना, इसमें 12.5 मेगावाट की बिजली पैदा होती है, और इसकी जो शुरुआत है वो 15 अक्टूबर 1995 में हुई थी। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे लाहौल स्पीति ज़िले के मेले व यात्राएं। सबसे पहले है सेगचुम देला। श्रावण, प्रथम श्रावण के को लाहौल के क्षेत्र में सेगचुम नाम का त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार जो है, या इसे मेला भी कह सकते हैं, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद जो है इसके अगले दिन ही देला पोरी का मेला लगता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। देला पोरी का मेला लगता है इसके जस्ट बाद। योर मेला, ये भी लाहौल स्पीति में यह मेला मनाया जाता है। मल्ली मेला पत्तन घाटी के तलजाने गांव में मनाया जाता है। यहाँ पे हडिम्बा देवी का मंदिर है, एक जो बहुत प्रसिद्ध है हडिम्बा देवी का मंदिर है वो कुल्लू में है, और दूसरा जो है वो लाहौल स्पीति में है जहाँ पे मल्ली मेला लगता है। और यहाँ पे पहले याक की बलि दे जाने की प्रथा थी। फागली मेला, स्थानीय भाषा में इसे कुन मेला कहा जाता है, कुन मेला या कुंभ मेला भी इसे कहते हैं, कुंभ मेला या कुन मेला इसे कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे
लोसन उत्सव, इसे हालसा उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। और यह नव वर्ष के आगमन पे यह जो मेला है या यह जो उत्सव है यह मनाया जाता है। लाहौल क्षेत्र में फागुन मास में मनाए जाने के कारण इसे फागुली भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है लदारचा मेला, यह कीवर गांव में लगता है। उसके बाद एक है शिशु मेला, शिशु मेला भी इम्पोर्टेंट है, यह भी लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। पोरी मेला, ये त्रिलोकीनाथ मंदिर, जहाँ त्रिलोकीनाथ का मंदिर है वहाँ पे ये मेला लगता है। और उस दिन जो है उन्हें दूध से, जो त्रिलोकीनाथ की मूर्ति है उसे दूध से नहलाने की प्रथा है। लाहमोई मेला जो है ये तिन्नन, लाहौल स्पीति की तिन्नन घाटी में यह मनाया जाता है। और इसमें यह जो उत्सव है या यह जो मेला है इसमें आटे का एक जो है बकरा बनाया जाता है, उसे देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर है छेसु मेला, छेसु मेला भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और इसमें जो है इस मेले में जो नृतक हैं वो मुंह पे मुखौटा पहनते हैं। फिर उसके बाद है गोची मेला, जो गोची मेला है इसमें तीर अंदाजी का प्रदर्शन होता है। और यह जो है ये फरवरी माह में यह मेला लगता है। इसमें जो युवा वर्ग है वो तीर चलाते हैं, तीर अंदाजी का प्रदर्शन करते हैं। उसके बाद है गुतोर मेला, स्पीति की पिन घाटी में बौद्ध मठ में इस पर्व को या इस उत्सव को मनाया जाता है। चैत्रोरी मेला, जो चैत्रोरी मेला है ये इस दिन जो लामा है वो उनको घर घर बुलाकर उनसे धार्मिक पाठ करवाया जाता है। और उसके बाद है लैप्सोल मेला, जो लैप्सोल मेला है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें ग्राम देवता की पूजा होती है और इसमें जो लोगों के धार्मिक गुरु लामा है वो एक तिथि निकालते हैं जिसमें जो है बीज बोने की प्रथा की जाती है। इसमें खेतों में बीज बोया जाता है, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि खेतों में बीज बोने के टाइम कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो लैप्सोल उत्सव या लैप्सोल मेला उस टाइम मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे जिला लाहौल स्पीति के लोक नृत्यों की। शन और साबू, या इसको शान भी कहते हैं, शन और साबू जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साबू का अर्थ है बुध की स्तुति, बुध की स्तुति। और इसके बाद है लगधर्मा नृत्य, दानव नृत्य और सिंह नृत्य भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों ही मुंह पे मुखौटा पहन के ये नृत्य किए जाते हैं। उसके बाद जिला लाहौल स्पीति से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। सबसे पहले क्षेत्रफल के अनुसार लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। जनसंख्या के अनुसार लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। सबसे कम उद्योगों वाला जिला भी लाहौल, हिमाचल का लाहौल स्पीति है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित पेट्रोल पंप जो है वो काजा पेट्रोल पंप है। इसके साथ ही विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर हिक्किम है। सबसे कम सड़क घनत्व भी जिला लाहौल स्पीति का है। और रैसिन अंगूर रिसर्च सब स्टेशन जो है वो लाहौल स्पीति के थिरोट में है। मेवे अनुसंधान केंद्र, जो ड्राई फ्रूट अनुसंधान केंद्र है वो लाहौल स्पीति के कैलांग में है। छांग एक देसी शराब का नाम है जो उस लाहौल स्पीति में के हर घर में डेली पी जाती है। इसका निर्माण जो है जौ और गेहूं से किया जाता है, इसे वहां के लोग जो है इसका सेवन डेली करते हैं। छाकचा एक नमकीन चाय है जिसे चाय पत्ती नमक और उसमें मक्खन डाल के इसको बनाया जाता है। सरा एक प्रकार की शराब है, इसे बहुत ही शुद्ध विधि से इसे मनाया जाता है। और इसके साथ ही एक और है बोटी, या इसे बोती भी कहते हैं। ये वहाँ की लस्सी को, लस्सी का नाम है बोटी या बोती, आम बोलचाल की भाषा में लस्सी को वहाँ बोटी कहा जाता है। ओके, आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू की वॉचिंग।